पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? आपकी तरह ही है मेरे ख्याल में। आपका फेवरेट फूल कौन? ए, रोज। रोज तो ये लाके देते हैं आप? इधर ही दिखा रही हूँ। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा? गोभी का फूल। आपका फेवरेट गुलाब है? यस। तो मैं सामने खड़ी नजर नहीं आ रही। फैमिली के साथ नहीं आ जाए? फैमिली विजिट कर गई है। अच्छा, आप अब छड़े हुए हैं? छड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नेबर डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूं जहां पर फूलों की नुमाइश लगी हुई है। लोग जो हैं वो फूल देखने आ रहे हैं, हर किस्म के यहां पे फूल हैं। लेकिन मेरा आज का ये सवाल है कि फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? तो आवाम को हमारी ये पता है या नहीं पता, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम अब्बास। क्या करती हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। और यहाँ पे क्या करने आए हैं? बस फूलों को देखने आया हूँ। तो कैसा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट, कैसा है माहौल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपको फूलों के बारे में नॉलेज है? नहीं, कुछ खास नहीं है, सिर्फ ऑलमोस्ट गुलाब के बारे में ज़्यादा नहीं है। गुलाब के बारे में क्या नॉलेज है, क्या किस चीज़ की जो है वो खसूसियत है उसमें? मतलब दिखने में भी खूबसूरत है, उसकी मतलब खुशबू भी बहुत खूबसूरत है, बस बस। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा? नाम याद नहीं है लेकिन पता है, शक्ल याद है? हाँ जी। क्या शक्ल है, किस किस्म की? आपकी तरह ही है मेरे ख्याल में। मेरी तरह नहीं, यहाँ पे आपको इतने सारे फूल नजर आ रहे हैं, वहाँ उसमें से किस कोई जो है वो पाकिस्तान का कौमी फूल हो सकता है? नहीं, कन्फर्म मुझे याद नहीं, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा फरवा। आपका? सुरैया बतूल। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगाई गई है फूलों के हवाले से, किस तरह की लगी है? बहुत अच्छी लगी, हम हर साल यहाँ आते हैं और पिछले साल बहुत अच्छी थी, अब थोड़ा चेंज किया इन्होंने, गुलदाउदी ज़्यादा है, मीडिया यूज़ किया है, ये जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की है, बहुत अच्छा लगा हम यहाँ के। हम हर साल आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम इसको मिस नहीं करते, हम बल्कि चार दिन से आ रहे थे, कह रहे जी वज़ीर आला साहब ने आना है तो अभी ओपनिंग नहीं है। अच्छा। हम फिर भी आते हैं, हमने छोड़ा नहीं, हम आ जाएँ, रात वो हो के चले गए, मैंने कहीं सोके तो वो चलाएँगे आज, मैंने कहा आज हम जाएँगे ज़रूर देखेंगे, बहुत ठीक हो गया। अच्छा, फूलों की जो खूबसूरती है वो तो हर किसी को ही पसंद आती है और यहाँ पर भी बहुत सारे फूलों की किस्में नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको ये पता है पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? यही है, हमारा चमेली है। चमेली, बिल्कुल यही है। लेकिन हमें गुलाब का ज़्यादा पसंद है, गुलदाउदी तो है लुकिंग वेरी नाइस, लेकिन जो गुलाब है हमारा वो बहुत है, सेकंड नंबर पे गुलाब आता है हमारे, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर। आपका क्या नाम है? सुमैया। अच्छा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ? जी जी। अच्छा, क्या यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इवेंट हैं वो होने चाहिए, ख़ास तौर पे ये गुलदाउदी की है और बहुत लाइवली इन्वायरमेंट है, फ्रेशनेस है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बच्चों के लिए कि उनको दिखाना चाहिए कि फूल क्या हैं, क्या इनकी खूबसूरती है, ब्यूटी, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ यहाँ। आपका फेवरेट फूल कौन है? रोज। रोज तो ये ला के देते हैं आज ही ले आए, इधर के सारे ही हैं यहाँ पे, सारे देख ले, आज ही ले आए, इधर ही दिखा रहे हैं बस। नहीं, आपको रोज लेके आना चाहिए इनके लिए, रोज। जी ठीक हो। अच्छा, आपको ये पता है पाकिस्तान का जो है वो कौमी फूल कौन सा है? जैस्मीन। हाँ, जैस्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सरदार शेर मोहम्मद। आपका क्या नाम है? अब्दुल मुईज। आपका? शाहरुख। शाहरुख, शाहरुख खान वाला शाहरुख तो नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा, आप भी खान ही है वैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? क्वेटा से। क्वेटा से सिर्फ ये एग्जीबिशन देखने आए हैं? आहो आहो, वाओ। कौन सा फूल फिर पसंद आया? सारे फूल अच्छा पसंद आया, अच्छा इंजॉय कर लिया, अच्छा जो है अच्छा इंतजामात किया हुआ है। हमारे क्वेटा में भी ऐसा होता तो हम लोग अच्छा फील करता था, फिर अगर क्वेटा में भी ऐसा होता तो लाहौर ना आना पड़ता। तो लाहौर फिर क्यों आना पड़ेगा जब क्वेटा में ये सब चीज़ मिलती है? ऐसे तो नहीं लोग कहते लाहौरी? तो वो कहते लाहौर लाहौर है, क्वेटा क्वेटा है। हाँ, क्वेटा की खास बात बताए। क्वेटा की जो है सारी अच्छी बात है, खोसे की क्वेटा जो है पहाड़ी इलाके, खूबसूरत इलाके, दरख्ते वगैरह, पूल वगैरह, कुदरती होता है यहाँ पर, तो लोग करते हैं वहाँ पर, कुदरती होता है। अच्छा, आपको पाकिस्तान का कौमी फूल पता है कौन सा है? नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन,
नहीं नहीं हमको नहीं पता। आपको पता है? नहीं बिल्कुल नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ बैंक से। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या करने आए हैं? मजार वॉक कर तो डेली इधर डेली 3 से 5 बजे 6 बजे तक जाए होते हैं। अच्छा आप डेली आते हैं, लेकिन अब तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, फूलों की एग्जीबिशन लगी, अब ज्यादा मजार है। बहुत अच्छा लगा। होना चाहिए इवेंट, मेरे ख्याल 3 माह बाद होना चाहिए, तो गैदरिंग भी बढ़ेगी, लोग आएंगे इधर और एंजॉय करेंगे। ये तो आप वॉक करने आते हैं तो फैमिली के साथ नहीं आ जाए? फैमिली विजिट कर गई है। अच्छा कर गई। अब छड़े हुए हैं छड़े। ठीक हो गया। अच्छा आपको आपका फेवरेट फूल कौन सा? गुलाब का फूल, चमेली का फूल। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा? गोभी का फूल। वैसे हालात पाकिस्तान के यही हैं कि उनको गोभी का फूल ही देना चाहिए। जी 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 जी। कौन सा है आप बताएं? गुलाब का या चमेली का या गोभी का होगा, बस गोभी, सॉरी गुलाब का, फूलों का वही रुसवाई कर दिया। नहीं नहीं गुलाब का होगा, चमेली होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुलैखा। आपका क्या नाम है? हमीदा। अच्छा आप क्या करती हैं घर में? घर का काम और क्या करना है, घर में हूँ। अच्छा आप घर में होते हैं रोज, तो आज यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की जो एग्जीबिशन है, इवेंट्स है, वो होने चाहिए ना लाहौर में? जाहिर है होना चाहिए, सही बात है। आपका फेवरेट फूल कौन सा? हमारा फेवरेट फूल तो यहाँ पे है नहीं, गुलाब का हमें फूल। गुलाब का फूल नहीं है यहाँ पे? गुलाब का मैंने नहीं देखा। गुलाब का फूल जो है वो आप हैं। आप हैं तो यहाँ पर। वो तो सही है, लेकिन क्या कहता है, गुलाब का फूल हमें ज्यादातर प्यारा लगता है, जो पिंक गुलाब होता है, तो वो तो है ही नहीं इधर। इधर सारे जो है गलियों के भी तो फूल प्यारी होता है, चमेली का होता है, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं है। चलो जैसा भी है अच्छा है, हमारा कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं फिर। अच्छा आप कश्मीर से आए हैं? जी। यहाँ पे खास इवेंट के लिए आए हैं? नहीं नहीं हम यहाँ पे रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आपको ये पता है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली होगा या रात की रानी होगा, बस इन दोनों में से एक ही होगा। चमेली लगता है मुझे। यहाँ पर आके क्या मजा आ रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे अलग अलग किस्म के फ्लावर्स हैं और अलग अलग कलर के हैं, बस एक ही है कि गुलाब का फूल नहीं है यहाँ पे। गुलाब का फूल कहाँ पर है ये मुझे खुद को नहीं पता। आपका फेवरेट गुलाब है? यस। तो मैं सामने खड़ी नजर नहीं आ रही। क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, वैसे ही पाकिस्तान गंदी चीज़ों के लिए मशहूर है पहले ही, तो ऐसे इवेंट्स होंगे तो पाकिस्तान सही लेवल पे आएगा। अच्छा आप यहाँ पर इवेंट पर आकर कैसा लग रहा है, आपको लगता है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, यहाँ आके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, इतने ज़्यादा कलरफुल फूल है और फूल तो वैसे भी सबको पसंद होते हैं, तो ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि बच्चों को लेके फैमिलीज के साथ निकलें, क्योंकि घर की आजकल जो आपको पता है हालात चल रहे हैं, टेंशन ही है घर में, जो महंगाई चल रही है, तो कुछ छोटे छोटे इवेंट हों जिसपे ज़्यादा खर्चा भी ना हो और बच्चे भी खुश हो जाएँ, और इस पर बड़ा अच्छा लगता है। इतनी ज़बरदस्त कलरफुल फूल हैं और इन्होंने लाइटिंग का भी इंतज़ाम बड़ा अच्छा किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा किस्में हैं फूलों की, इतनी कलरफुल फूल देख के इतना अच्छा लग रहा है कि दिल चाह रहा है कि बाकी जो लोग फैमिलीज में से नहीं आए ना, हम तो उनको भी वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आ जाएं आप लोग भी आके एंजॉय करें, और जो लोग नहीं आए हमें वो पछता रहे हैं कि हाँ ये वाकई बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी नाज़रीन ये था आज का हमारा शो, मैं आज जिलानी पार्क में मौजूद थी जहाँ पर फूलों की एग्जीबिशन जारी है, अगर आप भी इस एग्जीबिशन में आना चाहते हैं और फूलों की जो नुमाइश है उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर आएँ। और मेरा आज का जो सवाल था कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है और कितनी आवाम जानती है, तो बहुत सारी आवाम ने सही जवाब दिया कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो जैस्मिन है। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ैक़र राना को दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।